भाई लोग, आज हम लोग लाचेन से गैंगटॉक जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी टाइम हुआ है करीब 9:30। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किए। आज वेदर मस्त था, कल जब हम लोग गुरुदंगमार गए थे तब वेदर एकदम गंदा था, लेकिन अगर आज हम लोग गुरुदंगमार जा पाते ना तो क्या मस्ती होता भाई। लेकिन फिर भी हम लोग का जो एडवेंचर रहा वो मस्त रहा, ठीक है। और मतलब ऑलरेडी हम लोग 2 रिकॉर्ड कर चुके हैं। वो देखिए बर्फ, ऊपर ऊपर पूरा बर्फ है, ठीक है। पूरा बड़ा फन तो ऊपर पूरा बर्फ है, वेदर मस्त है। इसी वेदर में एक्चुअली गुरुदंगमार जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए। हम लोग पूरा एकदम बारिश में गए, ठीक है। नसीब अच्छा नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग का एडवेंचर मस्त रहा। अभी हम लोग गैंगटॉक की तरफ जा रहे हैं, रास्ता इधर का मस्त है। क्या व्यू है मामा, सुबह 7 बजे निकलने का प्लान था लेकिन नहीं निकल पाए। 9 बज गए निकलते निकलते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था पैकिंग में। तो प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है। जेपी को मतलब प्रीतम को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया पेट का, उसको कल लूज मोशन हो रहा है, उसको दवाई ववाई दिया, थोड़ा देर वेट किया, फिर वो अभी ठीक है, अभी चल रहे हैं। ऊपर पूरा बर्फ, ये रास्ता भाई हम लोग रात 9 बजे क्रॉस किए, पता है। ये रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस गाड़ी चलाते रहते चलाते जा रहे थे। जाना है जाना है जाना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है ठीक है। चलो अभी पहले तो चुंगथाम जाना है। चुंगथाम जाके थोड़ा पैसा एटीएम से विड्रॉ करना है, पैसा खत्म हो गया है कैश। फिर चलेंगे मंगन, फिर चलेंगे गैंगटॉक। चलो मिलते हैं रास्ते पे। एक ब्रिज था जो रात को हमने क्रॉस किया, लेकिन ये वाला ब्रिज से बाजू वाला ब्रिज ज़्यादा अच्छा है। ये ब्रिज से अगर हम लोगों को जाने देता तो मस्त होता, लेकिन नहीं नहीं जाने दिया। ये नया वाला ब्रिज बना दिया, तो नया वाला ब्रिज से हम लोग गए। देखो उधर एक वाटरफॉल है, एकदम बहुत ऊँचा है वाटरफॉल। उधर एक ब्रिज भी है, सब हम लोग रात को क्रॉस किए, ठीक है। पूरा अंधेरा था, कोई नहीं था रास्ते पे, बस ये 3 बाइक था और कुछ नहीं था। देखो वाटरफॉल बहुत ऊपर तक गया, ठीक है। अबे अच्छा अच्छा, मेरे पीछे प्रीतम है, इसके पीछे अमिता है, एज यूजुअल। मुझे हमेशा ये लोग सामने भेजता है, बहुत गंदा है साला। हम कोई पिक्चर विक्चर नहीं ले पाते इसी कारण, क्योंकि हमको रास्ता देख के चलाना पड़ रहा है और वो लोग मेरा बैक लाइट फॉलो कर रहा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं।
मैं ही लेके आया हूँ उन लोगों को, तो मेरा ही जिम्मेदारी है। सिक्किम आने के लिए मैंने ही बोला था, मेरा ही प्लानिंग था, मेरा ही सब कुछ था। वो लोग साथ दिया, बहुत अच्छा लगा, और एकदम बराबर साथ दिया। रास्ते पे गाड़ी खराब हो गया, कुछ भी हो गया, हम पांचों एक साथ थे, ठीक है, झगड़ा नहीं हुआ, छोटा मोटा इधर उधर तो होता ही है, ठीक है। तो फिर भी और जो छोटा मोटा जो जो भी हुआ वो ऑल्टीट्यूड के लिए हुआ, क्योंकि इतना हाई ऑल्टीट्यूड में मतलब थोड़ा ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है दिमाग, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलता है एकदम, कुछ भी बोलो थोड़ा चिड़चिड़ा लगता है, तुमको नहीं लगेगा कि तुम चिड़चिड़ा बोल रहे हो, लेकिन सामने वालों को लग रहा है कि तुम चिड़चिड़ा हो, और एक्चुअली तुम चिड़चिड़ा ही बात कर रहे हो, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आगे मिलते हैं। भाई लोग, और एक झरना और एक ब्रिज आ रहा है, देखो झरना देखो और ब्रिज देखो, उस तरफ झरना है, आगे ब्रिज है, झरना पहले देख लो, मस्त है, मस्त है, अभी ब्रिज देखो क्या मस्त है, झरना क्या मस्त है। रात को जब ये सब रास्ता क्रॉस किया ना, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा भाई, सच में सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम पड़ा, बस चलते गए। पानी का सिर्फ आवाज आ रहा था, झरना वरना कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, रास्ता कुछ कुछ जगह पे टूटा फूटा है, बाकी एकदम टालमेट है, आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बारिश की वजह से इधर पूरा पानी जम गया, और कुछ नहीं। करीब 5 किलोमीटर बचा है चुंगधाम पहुंचने में, टाइम हुआ है करीब 10 बजे, तो हम लोग अच्छा स्पीड से ही आए। देखो एक ब्रिज आ गया, ठीक है, लंबा ब्रिज है, नीचे से नदी है, नदी 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 बह रहा है नीचे फुल स्पीड में। देखो नदी, आज वेदर बहुत मस्त है, कुछ भी बोलो भाई, अगर ऐसा ही रहे ना आराम से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं है, यही प्रॉब्लम है, वेदर के ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक अच्छा जगह मिला था, वो जो नदी दिखा ना अभी, वहाँ पे हम लोग थोड़ा देर के लिए रुक गए थे 5 मिनट के लिए, तो थोड़ा क्योंकि हम लोग रात को ये रास्ता क्रॉस किए, तो रात को तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अभी भैया ने बोला कि चलो थोड़ा फ़ोटो खींच लेते हैं, तो रुक के हम लोग थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लिए थे, ठीक है। अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, देखते हैं। एक्चुअली जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तब ज्यादा आसान है, नीचे उतरना ज्यादा टफ है। और देखिए ये बीच पूरा छोटा मोटा ब्रिज है, बीच बीच में बहुत सारा लकड़ी नहीं है, ब्रिज तो लकड़ी का है,
क्रॉस करके आगे हैं। फिर से बारिश स्टार्ट। मंगन से हम लोग निकले और बारिश भी स्टार्ट हो गया, पूरा भीग गया। दो जूते के अंदर एक एक दो लीटर पानी भर गया। घर जाके इसको निकालना पड़ेगा, मतलब होटल जाके। और दूसरा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग का होटल अभी तक बुक नहीं हुआ है, जाके होटल भी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी पेडोंग जा रहा हूँ। पेडोंग यहाँ से 3 किलोमीटर है। ठीक है, उसी रास्ते से हम लोग गैंगटॉक जा रहे हैं, तो आज पहुंच ही जाएंगे गैंगटॉक। यहाँ से ज़्यादा 2 घंटा लगेगा, अगर रास्ता ऐसा होगा तो उतना भी नहीं लगेगा। ठीक है, ठंड से पैर मेरा एकदम सुन कर गया है, पैर में कोई ताकत नहीं है। और बारिश के कारण मेरा ग्लव्स भी पूरा भीग चुका है, तो मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना इसी कारण। अच्छा, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं गैंगटॉक। भाई लोग, लास्ट 12-13 किलोमीटर गैंगटॉक का फट रहा है। बहुत गहरा खतरनाक रास्ता, फिर से लग रहा है गुड़दुंग मार जा रहे। कभी कभी बीच में 200-300 मीटर रास्ता ना फटा रहा है पूरा एकदम। ठीक है, कुछ कर नहीं कर सकते हैं। अनेक साला, एक वो जो झरने का पानी रास्ते के ऊपर से जाता है, वैसे जा रहा था। तो कितना डेप्थ है साला, बहुत पानी था उसके अंदर। गाड़ी आधा अंदर चला गया था। और ये जो चढ़ाई है ना, माँ के संग हेमंत का भाई जा गया। भाई जान बंद भी नहीं कर पा रहे, मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, जूता पूरा भीगा हुआ है। मेरा भैया का हालत सबसे खराब है, क्योंकि उसका उनका जो रेनकोट का लोअर है वो फट गया। ठीक है, फटने के कारण वो रेनकोट का लोअर पहन नहीं पाया, सिर्फ अपर पहना, और उनका पैर पूरा भीग गया, पूरा, इतना बारिश हो रहा था। फिर वैसे करके ही हम लोग आ रहे हैं। ठंड से कप रहा है, मुझे डर लग रहा है उनको बुखार बुखार ना आ जाए। मेरे पास मेडिसिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर बुखार आ जाए किसी को तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बाइक हर रोज़ हम लोगों को चलाना है, रेस्ट लेने का टाइम नहीं है। ठीक है,
रेस्ट लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है, चला रहे बाइक, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चला भी जाएंगे। मेरे राइट हैंड में कोई ताकत नहीं है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. कैसा लग रहा है? अभी तक तो ठीक है, लेकिन हम लोग को तो लग रहा है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहीं पानी लग रहा है। खाली पानी पानी, जहाँ रुके वहीं पानी। जूता तो पूरा भीग गया। जूता तो पूरा भीग गया। देखो मेरा बड़ा भाई का हालत देखो, पूरा जींस भीगा हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इधर रुकना ही पड़ेगा क्योंकि होटल बुकिंग करना होगा। और ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर बचा है गैंगटॉक का, गैंगटॉक से। सोने पे सुहागा किधर हुआ? ये तो सोने पे भागा भागा। ये वाला व्यू मस्त लग रहा है। ठीक है चलो, होटल पहुंच के बात करते हैं। हेलो, गैंगटॉक तो पहुंच गए, लेकिन आप देख सकते हैं क्या हालत है रास्ते का। पूरा बर्फ गिर रहा है, लग रहा है बर्फ ही गिर रहा है, और सफ़ेद हो गया है उसके साथ बारिश, पूरा रोड सफ़ेद हो गया है। तो हम लोग रुक गए एक जगह पे, ठीक है। आगे एक होटल है, ठीक है, वो होटल में जाना है। देखते हैं होटल किधर है। तो इसके बाद हुआ यही था कि उस दिन तो होटल पहुंचते पहुंचते हम लोग को बहुत लेट हो गया था, और बारिश के कारण हम लोग पूरा भीग गए थे। तो मतलब कुछ कर नहीं पाए, बात भी नहीं कर पाए। और अगले दिन का हम लोग का प्लानिंग था कि हम लोग नाथुला जाएंगे और सिल्क रोड होते हुए सिलगुड़ी तक आएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के कारण हम लोग को परमिशन नहीं मिला नाथुला का और सिल्क रोड का। तो हम लोग क्या किए, उसी दिन थोड़ा गैंगटॉक घूमा, और उसके बाद उसी दिन हम लोग सिलीगुड़ी वापस आ गए। और हम लोग का नाथुला और जो सिल्क रूट का प्लानिंग था वो कैंसिल करना पड़ा। तो यही था बस टूर। और गैंगटॉक से जो सिलीगुड़ी का जो रास्ता है वो भी मैंने मतलब रिकॉर्ड किया था वीडियो, तो वो वाला रिकॉर्ड मैं अगले वीडियो में पब्लिश कर दूंगा। तो तब तक के लिए राइड हार्ड विद सेफ्टी।